हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं गुलाब को किस तरह से नए तरीके से तैयार करना है वही बता रही हूँ, क्योंकि इस सीज़न में गुलाब सबसे ज़्यादा खिलता है और सबसे ज़्यादा चलने वाला प्लांट है और ये हर घर में मिल जाता है। तो ये मेरे हाथ में गुलाब आप देख रहे हैं, ये मेरा हाइब्रिड गुलाब है जिसे आप जब मर्जी जब तैयार कर सकते हैं। मैंने इसकी काफ़ी सारी कटिंग तैयार की है, तो कैसे करी है आसानी से जल्दी से वही मैं आपको बता रही हूँ। एक पार्ट में इसका पहले डाल चुकी हूँ, आज दूसरा पार्ट डाल रही हूँ कि किस तरह से आप गुलाब को तैयार कर सकते हैं। तो चलिए ये देखिए, पहले आप देखिए इसमें काफ़ी सारी पत्तियाँ रही, हाँ इसका फूल सूख चुका है। तो हमें ये ध्यान देना है कि जो भी आप कटिंग लें उसका उसका फूल उतर चुका हो, इस तरह से सूख चुका हो। बाकी हमें ये कटिंग लचक वाली नहीं चाहिए और ये अच्छी खासी कटिंग है, तो इसमें से हमारी दो कटिंग आसानी से निकल जाएगी। अब हमें करना क्या है वो मैं बता रही हूँ, हमें सबसे पहले इसके पत्तों को रिमूव करना है, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ। तो फ्रेंड देखिए, ये मैंने इसके पत्तों को अच्छे से रिमूव कर दिया है। ध्यान ये देना है कि हमें पूरा यहाँ तक कट नहीं करना है। अब जो हमें रिजल्ट मिलेगा वो हमें यहीं के पास से मिलेगा जहाँ से हमने पत्तों को रिमूव किया, मतलब साफ़ किया है। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो हमें जो रिजल्ट मिलेगा बहुत लेट मिलेगा, शायद ना में मिले। और ये जो ऊपर का पॉइंट है इसको हमें इतना कट करना है, क्योंकि ये देखिए ये जो है पत्ती, जो भी हमें पॉइंट मिलेगा वो पॉइंट हमें नया जो सिम्टम दिखाई देंगे अच्छे वाले वो हमें यहीं से मिलेंगे। तो ये हमें इतना तो कट करना ही करना है ताकि हमें यहाँ से नया जल देखने को मिले, ठीक है। और हमने कट कर दिया। अब इस फूल के उतरने से हमें ये दिख रहा है कि ये कटिंग हमारी अच्छे से तैयार होगी। अगर हम फूल के रहते करते हैं तो हमारी कटिंग लचक मारेगी, तो लचक वाली कटिंग को नहीं लेना है। तो चलिए अब बाकी आगे दिखाती हूँ कैसे करना है। तो फ्रेंड्स ये देख ही रहे हैं आप कटिंग को, तो सबसे पहले हमें इस कटिंग को हमें यहाँ से कट कर देना है। और जो भी इसका ये नए, देखिए यहाँ से एक नया जड़ मिल रहा है, तो हमें इसी के पास से नीचे से थोड़ा सा और कट करना है, क्योंकि हमें जो नई जड़ मिलेगी वो यहीं से मिलेगी। इतना हमें छोड़ना है, कम से कम आधा इंच के करीब रखना है, इससे थोड़ा कम चल जाएगा पर आधे इंच से ज़्यादा ना रखें, ठीक है ना। और बाकी जैसे कटिंग हमारी काफ़ी बड़ी है तो हम इसका एक कटिंग इसमें से दो कर लेते हैं, ये हमने यहाँ से कर लेते हैं, यहाँ से हम इसको कट कर लेते हैं, ठीक है। अगर कटिंग अच्छी तरह से लगाई जाए तो हमारी छोटी कटिंग भी तैयार हो जाती है, जैसे मैंने लगाई है वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। तो अब करना क्या है ये मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये हमने जो लिया है ये नीचे का हिस्सा, ये मैं इसलिए बता रही हूँ ताकि आप जल्दी से जल्दी और अच्छे से कटिंग तैयार कर सकें। इसी तरह से मैंने अपने सभी गुलाब की कटिंग को तैयार किया है। मैं इसको अच्छे से यहाँ से थोड़ा सा इसका ऊपरी हिस्सा साफ़ कर देती हूँ, और यही आपको भी करना है, ये साफ़ करना है ताकि कटिंग का रिजल्ट जल्दी मिले। हफ्ते 10 दिन में आपको इसका रिजल्ट मिल जाएगा अगर आप अच्छे से तरीके से लगाएंगे। होने को तो हम इसे नहीं अगर साफ़ करें तो भी हो जाएगा, लेकिन इसे करने से आपकी कटिंग जल्दी रिजल्ट देगी। अब हमें इसको यहाँ से थोड़ा सा ऊपर से इसको थोड़ा सा इसको साफ़ करना है ताकि नीचे का वाइटनेस जो है थोड़ा दिखाई देने लगे। ये देखिए थोड़ा सा नीचे का, एक तरह से इसी कहते हैं जो कटिंग है जिससे खाल है वो बाहर आ रही है, ऊपर की परत हमने बिल्कुल हटा दी है, ठीक है। ये हो गई, और जो रिजल्ट मिलेगा हमें यहाँ से मिलेगा, एक गोल गोल सा पॉइंट देखने को मिलेगा, तो ये पॉइंट जो है हमारे यही हमें रिजल्ट देंगे। जो मैं दूसरे का भी बता देती हूँ आपको, इसको भी हमने यहाँ से साफ़ करा, क्योंकि हमारा जो कांटे हैं मैं कांटों को हटा देती हूँ, और ये रिजल्ट हूँ यहाँ से भी हम थोड़ा सा कट कर देती हूँ, क्योंकि जब से मैंने ऐसे लगाई है तो जब से मेरी कटिंग अच्छी चल रही है और काफ़ी सारी मैंने कटिंग तैयार कर ली है अपनी। ये देखिए यहाँ से रिजल्ट आ रहा है, तो यहीं से हमें कट करना है, ये हम यहाँ से भी इसको साफ कर लेंगे। इसमें आप बड़ी प्लांट की भी ले सकते हैं और छोटे वाली हाइब्रिड की। ये मेरी हाइब्रिड प्लांट की कटिंग है जिसे मैं लगा के दिखाऊंगी आपको। इसमें आपको दो चीज़ और चाहिए, रूटीन हार्मोन पाउडर और नेल पॉलिश। नेल पॉलिश की जगह आप चाहे तो गर्म वैक्स भी ले सकते हैं, उसे टपका सकते हैं, जिससे क्या होगा कि हमारा जो इसका अंदर का इसकी नमी है वो कम से कम निकलेगी और रिजल्ट जल्दी देगी। और इसको भी थोड़ा सा इसको हटा देंगे, ऊपर कर देंगे, मतलब पहले हमने ऐसे करा अब ऐसे करेंगे। ये आप किसी भी कटिंग में कर सकते हैं, ये हो गया। अच्छा, उसके बाद हमें करना क्या है,
ये पाउडर लेना है। ये देखिए, ये मेरी बड़े प्लांट की कटिंग है जिसमें मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैंने ये कटिंग भी ऑलरेडी रिमूव करी हुई है, जैसे मैंने आपको अभी करके दिखाई। और इस कटिंग को भी हम ऐसे ही करें, आधा इंच है, इसको भी हम ऐसे ही साफ कर देंगे ताकि हमारी कटिंग का रिजल्ट जल्दी मिले और अच्छा मिले। ठीक है फ्रेंड्स, अभी आप देख रहे हैं, बहुत आसान है करना, आप एक बार ट्राई करके ज़रूर देखें। जिनको आता है वो तो कर लेते हैं, जिनको नहीं आता है मैं उनके लिए बता रही हूँ, इससे आप ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट तैयार कर सकते हैं गुलाब के, क्योंकि गुलाब अगर आप नर्सरी से लाते हैं तो आपको कॉस्टली मिलेगा, 100 का ही मिल सकता है, 200 का ही मिल सकता है, जो कि यहाँ पर तो बहुत महंगे हैं। तो अगर आपको खुद लगाना आ जाता है तो आप इसे बहुत ही आसानी से कटिंग निकाल सकते हैं, बस जैसे जैसे फूल सूखता रहेगा, ड्राई होता रहेगा, पत्तियाँ गिरती रहेंगी उसके, वैसे वैसे आप उसकी कटिंग 4-5 इंच की जितनी भी आपको दिख रही है सही है वो ला कर काट कर लगा सकते हैं। ये हो गया, अच्छा अच्छे से साफ कर लीजिए, ये हो गया। और उसके बाद अब ये आप देख रहे हैं, इसे हमें डिप करना है, ये इसी तरह से हमें सारी कटिंग को लेना है। ये हमने ली और एक ये कटिंग हमने ली, ठीक है। अभी मैं आपको दो कटिंग बता रही हूँ क्योंकि फिर मुझे कंटेनर लेने हैं पोट के, और फिर हमें ये थोड़ा सा, अगर आपके ऊपर से कटिंग है जैसे ये है तो इस पर नेल पॉलिश टच करनी ज़रूरी है, नहीं तो आपकी कटिंग ख़राब हो जाएगी या गल जाएगी, सड़ जाएगी, टाइम ज़्यादा लेगी या सूख भी जाएगी तो बेकार हो जाएगी। इस पर मैं इस पर भी लगा देती हूँ, तो ये मैंने इस पर टपका दिया है थोड़ा सा, ताकि इसका जो इसकी जो नमी है मॉइस्चर वो ना निकले। और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपकी कटिंग जल्दी सूख जाएगी, क्योंकि मैं ऐसा करके देख चुकी हूँ, नहीं तो आप वैक्स भी डाल सकते हैं, ये हर घर में आपको मिल जाएगा आसानी से नेल पॉलिश। और ये देखिए, आप देख ही रहे हैं मेरी पहली कटिंग तैयार है, देखिए आप ही देख रहे हैं कि अच्छा रिजल्ट आ रहा है। ये मैंने इसी तरह से लगाई है, आपको जूम करके दिखा रही हूँ, ये देखिए इतना अच्छा रिजल्ट आ रहा है इसका, 10 दिन में अच्छा रिजल्ट। अब मैं इसको भी लगाना बता रही हूँ आपको, चलिए। तो फ्रेंड्स, आप ये देख रहे हैं मेरे पास एक रियूज़ बोतल जो कोल्ड ड्रिंक की थी वो है, मैंने काफ़ी सारी ही यूज़ करी है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी साथ में। तो इसमें मैंने पहले से ही अपनी ऑर्गेनिक खाद डाली हुई है, आप देख रहे हैं पत्तों की, तो आपको ये ज़रूर करना है जो भी आप नई कटिंग लगा रहे हैं उसमें आपको कोई भी खाद डालें जो भी आपके पास अवेलेबल हो। मेरे पास यही है क्योंकि अब मैं ये यूज़ कर रही हूँ, वो डालने के बाद आप इस कटिंग को ज़रूर लगाएं ताकि रिजल्ट अच्छा मिले। तो ये मैंने आपको दिखाया जैसे, तो इसको और कुछ नहीं करना, आप किसी पेंसिल की या किसी की हेल्प से लगा सकते हैं, या फिर इसको पहले से होल्ड करके कटिंग को ऐसे लगा दीजिए। कटिंग हिलनी नहीं चाहिए, मेरी मजबूत हो चुकी है, बस पानी देना है इसको, लेकिन ध्यान रहे जब तक कटिंग रिजल्ट नहीं देती तब तक आपको पानी कम देना है, इतना देना है कि मिट्टी जब तक सूखी नहीं हुई है, अगर गीली है तो नहीं देना है, और जब मिट्टी थोड़ी सूख जाए तभी देनी है। और अब मैं आपको अभी दिखा रही हूँ कटिंग मेरी जो जो हो चुकी है, काफ़ी सारी मैंने कटिंग लगा ली है। और ये ध्यान रखना है इसे जब तक आपको शेड में रखना है, रिजल्ट जो मिलेगा आपको यहीं से मिलेगा, यहाँ से मिलेगा आपको, और नई नई ब्रांचेस निकलती हुई मिलेंगी। और इसमें भी मैंने एक कटिंग लगाई हुई थी वो मेरी सूख गई, रीज़न यही था कि मैंने उसमें ऊपर से टच नहीं किया था, ना नेल पॉलिश लगाई थी और ना ही वैक्स, तो ये गलती आप ना करें। तो चलिए, और उसमें नीचे मैंने होल भी किया हुआ है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि नीचे का होल भी अच्छा होना चाहिए ताकि कटिंग गले ना, तो ये चीज़ें आपको ध्यान देनी है। मैंने इसमें पहले से होल किया हुआ है तो इसलिए मैंने आपको सिर्फ दिखा दिया है, और बाकी कटिंग मैं आपको दिखा रही हूँ कि कैसे मैंने लगाई है, सबके अच्छे रिजल्ट मुझे देखने को मिल रहे हैं और मैं आपको भी दिखा रही हूँ, और आपको भी इसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आप इस तरह से कोई भी कटिंग लगा सकते हैं, यही नहीं कि गुलाब की, आप जितनी भी कटिंग है, जितने प्लांट आपके पास है, आप उनकी कटिंग ट्राई ज़रूर करें लगाने के लिए, तो मैं समझती हूँ बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। चलिए मैं आपको और अपनी लगी हुई कटिंग दिखा देती हूँ जिससे आपको लगे कि हाँ मेरा कितना अच्छा रिजल्ट देखने को मिल रहा है, चलिए दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, ये पहला मेरा प्लांट है, वैसे मैंने काफ़ी सारे प्लांट तैयार करे हैं कटिंग निकाल के, फ्री में हुए हैं, और ये मैंने लगाए हुए हैं। ये देखिए पहला मेरा ये है, तो अच्छा रिजल्ट मुझे मिल रहा है। और ये देखिए, ये आप देखिए, ये सब हाइब्रिड है और अलग अलग कलर है सबके, तो मैंने लगा दिए। देखिए इस पर तो बल्कि बर्ड्स भी आ रही है, देखिए ये आ रही है, देखने को मिल रहे हैं, तो अच्छा लगता है जब अपनी बनाई हुई कटिंग तैयार हो जाए। ये देखिए नए सिम्टम इधर से आ रहे हैं, ये आप देख रहे हैं, ये देखिए कितना अच्छा इसका रिजल्ट मिल रहा है। ये सब मैंने अपनी बोटल्स में लगाया हुआ है, ये देखिए ये भी स्टार्ट हुआ है, ये देखिए इस पर भी नई पत्ती आ गई है, ये देखिए अभी नीचे से मिट्टी गीली है इसमें, तो मैंने अभी पानी नहीं दिया है क्योंकि मैंने इसका लिड नीचे से बंद किया हुआ है। सर्दियों में हम ऐसा कर सकते हैं कि जिसमें लिड है तो बंद कर दीजिए, 2-3 दिन तक 4 दिन तक आराम से मिट्टी गीली रहती है, तो आपको पानी डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें भी देखिए अच्छी खासी
बर्ड्स आपको देखने को मिल रही है। तो देखिए कितना अच्छा रिजल्ट मिल रहा है मुझे। तो इस तरह से आप लगाएंगे तो आपके ढेरों प्लांट तैयार हो जाएंगे और सुंदर भी लगेंगे, आपके गार्डन में फूल ही फूल दिखाई देंगे। चलिए मैं आपको और भी दिखाती हूँ। फ्रेंड्स देखिए ये मेरे हैंगिंग में है, ये भी मैंने देखिए थोड़ी सी मिट्टी डाल के इसमें लगाया क्योंकि ज़्यादा हाइट नहीं लेंगे, तो इसलिए मैंने इनको देखिए कितनी अच्छी बर्ड्स आ रही है इन पर। तो मुझे खुद को भी बहुत अच्छा लग रहा है कि मैंने कहा ये सोचा कि आपको भी ये आइडिया बताऊं कि आप इस तरह से बॉटम में लगा सकते हैं। इस पर बा फूल आ चुका है, अभी दोबारा आ रहा है फूल क्योंकि मैं इस पर अपनी ऑर्गेनिक खाद डालती हूँ। आप ऐसा भी कर सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स कितना अच्छा हो रहा है, कितना बड़ा हो रहा है। इस पर भी दो फूल आ चुके हैं, अब इसकी मैंने कटाई कर दी थी। ये देखिए कितना अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। तो ये देखिए इस पर तो फूल आने को तैयार है। ये देखिए आप देख ही रहे हैं कितना अच्छा फूल आ रहा है, थोड़ी देर में ये भी खिल जाएगा। तो फ्रेंड्स इस तरह से आप भी अपनी छोटी छोटी बोतल में हाइब्रिड प्लांट लगा सकते हैं जिनको ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें इन प्लांट को लगाने के बाद कटाई छटाई करनी ज़रूरी है। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो फिर फूल आपके कम आएंगे। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये आइडिया और ये कटिंग का जो मैंने आपको एक नया आइडिया बताया है आपको पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप फिर भी कुछ पूछना चाहते हैं मुझसे तो आप जानते हैं कमेंट सेक्शन पर। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।